दोस्तों आज मेरे पास एक Xiaomi कंपनी का Redmi Note 7S मॉडल आया है जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आज रिकवर करेंगे ये जो Redmi Note 7S हमारे पास आया है क्यों डेट हुआ है और कैसे इसको रिकवर करना है, ये वीडियो में पूरा कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसके बारे में जब मैं कस्टमर से पूछा ये कैसे डेट हो गया है, तो कस्टमर ने कहा कि ये कुछ ही दिन पहले पानी में गिरा हुआ था, उसके बाद कुछ ही दिन चलने के बाद ये मोबाइल ऑटोमेटिक डेट हो गया है। तो आज की वीडियो में डेड मोबाइल को रिकवर करेंगे और क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको फॉल्ट फाइंडिंग करना है, आज की वीडियो में पूरा कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं दोस्तों यहां पे मोबाइल को मैं पहले से ओपन करके रखा हूं ताकि ज़्यादा समय ना ले पाए, क्योंकि उसके बैक ग्लास को खोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इसलिए दोस्तों इसको बैक ग्लास को रिमूव करके रखा हूं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं चार्जिंग सेक्शन में भी खोल दिया हूं और यहां पे तो हल्का हल्का पानी गिरने का जैसे दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों एक बार प्राइमरी टेस्ट करते हैं, प्राइमरी टेस्ट में क्या रिजल्ट आता है एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जब भी मैं चार्जर में कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एम्पियर कंज्यूम हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीरो आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है आगे में मदरबोर्ड में कहीं पे प्रॉब्लम हो जिसके बाद ये एम्पियर कंज्यूम करना छोड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं Xiaomi कंपनी का Redmi Note 7S क्यों डेट होके आया है। नमस्कार दोस्तों, टेक सीरियंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आपको मैं हेडिंग में बताया था Xiaomi कंपनी का Redmi Note 7S जो कि डेट होके हमारे पास आया है, इसको कम्प्लीटली रिकवर करेंगे और क्या प्रॉब्लम है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये वीडियो में पूरा कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बैटरी को चेक कर लेते हैं और देख सकते हैं दोस्तों 3.760 यहाँ पे वोल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जितना है यहाँ पे चार्जिंग होना चाहिए या फिर ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन ये सेट डेड हो गया है। तो दोस्तों इसको रिकवर करेंगे और देख सकते हैं दोस्तों बैटरी कनेक्टर पे भी सही से नॉर्मल रीडिंग आ रहा है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा जो ये मोबाइल डेड हो गया है, पूरा कम्प्लीटली ये मदरबोर्ड को ओपन करेंगे और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकता है और क्या इसमें आया होगा, इसके बारे में ज़रूर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आपको मैं बैटरी कनेक्टर पे थोड़ा मॉइस्चर होने का दिखा दिया और देख सकते हैं इसको अभी माइक्रोस्कोप में और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों ये मदरबोर्ड को पूरा ओपन करना होगा, चलिए मैं मदरबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में मदरबोर्ड को मैं ले आया हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पानी गिरा है, थोड़ा सा आई व्यू लेना ज़रूरी है, अगर आई व्यू अच्छे से लेंगे तो मोबाइल 100% रिपेयर होने का चांसेस है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे के साइड में थोड़ा बहुत पानी गिरा है और बैटरी कनेक्टर में भी देख सकते हैं व्हाइट जैसा स्पॉट आ गया है, इसका मतलब इसमें पानी थोड़ा बहुत गिरा है जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं, कहीं कहीं जगह पर ये पानी ज़्यादा भी गिरा है और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में।
तो यहाँ पे दोस्तों आई व्यू लेने के बाद देख सकते हैं बूट मशीन से, एक बार डीसी मशीन से बूट करके देखते हैं क्या बूटिंग ले रहा है, और यहाँ से हमको और अच्छे से पता चल जाएगा कि मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है और कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम आया है जिस वजह से ये मोबाइल डेड हो गया है। तो दोस्तों इसको बूट मशीन में कनेक्ट करता हूँ और आपको पूरा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कितना बूटिंग ले रहा है, क्या रीडिंग आ रहा है बूट मशीन पे या फिर डीसी मशीन पे, और यहाँ से हमको ट्रेस करने के बाद हमको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम होने की वजह से ये मोबाइल डेड प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीसी मशीन को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और नीचे देख सकते हैं ये मदरबोर्ड है, इसको मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ और क्या एम्पियर इसमें कंज्यूम हो रहा है इसके बाद ही हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। जैसे ही मैं इसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एम्पियर कंज्यूम होना चालू हो रहा है, इसका मतलब ये मदरबोर्ड ओके है और इसको जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूँ बिल्कुल सही से एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा था लेकिन ये डीसी मशीन पे फुल एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। तो दोस्तों यहाँ से डीसी मशीन से हमको पता चल गया कि ये मदरबोर्ड ओके है, उसके बाद भी ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आया होगा इसको तो फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले दोस्तों ये मोबाइल को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करके देखते हैं ये मोबाइल चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसके बाद ही काम करने की कोशिश करेंगे। अगर चालू हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो इसको काम करके आपके सामने दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वॉश करके इसको क्लीन कर दिया हूँ और एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मोबाइल चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा दोस्तों ऐसा नहीं होता कि कहीं कंपोनेंट शॉर्ट हो या फिर कहीं कंपोनेंट ख़राब हो गया हो, ये ऐसा भी होता है मॉइस्चर के कारण से भी ये कभी कभार मोबाइल डेड हो जाता है, जो कि ये आपके स्क्रीन में देख सकते हैं ये मोबाइल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जो कि मॉइस्चर होने के बाद ये मोबाइल डेड हो गया था। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर, पहले जब मैं चेक कर रहा था यहाँ पे कुछ भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा था, जो एक बार कंज्यूम होकर छोड़ रहा था, अभी यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज भी आना चालू हो गया है और बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है इसका फ्लेक्स में प्रॉब्लम हो या फिर ये मदरबोर्ड की कनेक्टर में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इसको और अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे दोस्तों इसका चार्जिंग फ्लेक्स को एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें मॉइस्चर आ गया है और यहाँ पे आपके स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में इसको देख के थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद आपके सामने मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे चेक कर रहा था, कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा था, अब देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज बन के फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब ये मोबाइल चालू कंडीशन में आ गया है। एक बार इसको कंफर्म करेंगे, और कंफर्म कैसे करेंगे इसको पूरा कंप्लीट फिटिंग कर लेते हैं बैटरी कनेक्टर को, डिस्प्ले कनेक्टर को और चार्जिंग फ्लेक्स को। और यहाँ पे जैसे पहले मैं चेक कर रहा था प्राइमरी टेस्ट में, एम्पियर मीटर से एक बार एम्पियर मीटर से टेस्ट करेंगे क्या एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, इसको चेक करने के बाद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पहले एम्पियर लेके छोड़ रहा था, अभी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ और देख सकते हैं 0.42 से लेके 0.4 तक यहाँ पे एम्पियर फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब इसमें चार्जिंग जा रहा है। अभी यहाँ पे एम्पियर फ्लक्चुएट होना चालू हो गया है, इसमें चार्जिंग हो रहा है, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ ये मोबाइल चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल को मैं पलटी करता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इसका जो चार्जिंग इंडिकेटर है यहाँ पे चालू होना शो हो गया है, जो नोटिफिकेशन है ये वाइट लाइट जल रहा है। थोड़ा सा आपको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ और देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आया था ये मॉइस्चर के कारण से प्रॉब्लम आया था, जो कि डेड होके हमारे पास ये प्रॉब्लम आया था। तो हमेशा दोस्तों आपको मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आईसी शॉर्टिंग हो, कुछ ना कुछ मॉइस्चर के कारण से भी प्रॉब्लम आ सकता है, कई सारा प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम मैं रिपेयर करके दिखाने की कोशिश किया। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल चालू हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल कम्प्लीटली चालू हो गया है, जो कि डेड होके हमारे पास आया था ये कम्प्लीटली डेड रिकवर हो गया है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को क्वेरीज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपके वीडियो के नीचे स्क्रॉल करके व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके मेरे को कुछ भी क्वेरीज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी टॉपिक में और किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।